दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत दशहरा मैदान में पुतले बनाने के लिए रखे बारूद में आग लगने से हुए धमाके से अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि इससे जहां हॉल की दीवारें ढह गईं, वहीं धमाके के कारण दशहरा मैदान के आसपास के घरों के शीशे तक चटक गए। गनीमत ये रही कि जिस समय हादसा हुआ उस दौरान घटनास्थल के आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ी तादाद में लोग हताहत हो सकते थे। धमाके के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग की टीम तुरंत हरकत में आते हुए घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। एसपी बद्दी व एसडीएम नालागढ़ ने भी मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों को खंगाला और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। चार पाँच दिन से हमारे को तंग कर रहे थे, कभी लाइट काट दे रहे थे तो कभी हमारा जो हम बना रहे हैं अभी पेपर फाड़ देने हैं। और एक और अननोन पर्सन है वो लोग तो है ही बाहर गए हैं। ये सब ना पीछे सामने वाली कुर्सी है। हाँ जी, किसी का शीशा नहीं बचा, एसी टूट गई मेरी कुर्सी। आप अभी रहते हैं ऐसा है जो दशहरा का ये प्रोग्राम था, इसके लिए हमने कार्यकारी अधिकारी को मेरे साथ जो मेरे साथी पार्षद थे, तरसेम जी थे, मोहनलाल जी थे, हम लोगों ने अजमेर गौर थी, हमने सामने इनको पहले एक मिलके आए थे कि जो ये एरिया रिहायशी एरिया है बहुत ज़्यादा। अब एक्चुअली क्या चार साल पहले यहाँ मेला होता था तो उस टाइम में काफ़ी एरिया खाली था और उस टाइम पब्लिक कम थी। अब इतनी लेबर क्लास लोग यहाँ आ गए हैं और चारों तरफ मकान आप देख रहे हो, इस टाइम पे आप देख रहे हो पूरा एरिया भर चुका है। और हमने इनको पहले जताया था कि यहाँ कोई ना कोई कैजुअलिटी हो सकती है, कोई जान मान का नुकसान हो सकता है, भगदड़ मच सकती है, इसलिए दशहरा हम दशहरा कराने के विरोध में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसको कहीं खुले एरिया में कराया जाए, तो जहाँ कोई खुला एरिया हो, बड़ा ग्राउंड हो, जहाँ अच्छे से कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये लोग माने नहीं और कोई भी इन्होंने कोई भी हाउस का उस दिन मीटिंग थी, हाउस में इन्होंने 1/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है किसी भी इसको पास करने के लिए, पर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, पर इन्होंने ना ही हमें बुलाना चाहा, ना ही मैं इस बाढ़ का पार्षद हूँ, ना ही हमारे सिर कोई सलाह की दशहरा के लिए, और ना ही इन्होंने किसी कोई भी परमिशन एसडीएम साहब के कार्यालय से किसी भी पटाखा बनाने वाले ने दुकान रेडी फड़ी लगाने वाले कोई परमिशन नहीं लीगी। जबकि RW के प्रधान जी यहाँ पे खड़े हैं, सब लोगों का त्रास था कि ये बहुत ही टाइटली एरिया हो चुका है, यहाँ एक मेला नहीं होना चाहिए। लाखों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ, हर एक मिनट में भी कहीं कोई भगदड़ हो गई, कुछ भी हो गया तो हज़ारों लोगों की जान जा सकती है। ये हमने इनको पहले चताया था पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। इनको अपने लाच का पड़ा हुआ था, रावण बनाने हैं, उसमें पैसे खाने हैं, ये लगे हुए सारे इसी काम पे। नहीं तो आपने इसके बारे में जो है ईओ नगर परिषद को लिखित में शिकायत दी थी कि नहीं? हमने बर्बली मिली है, उनसे बर्बली उनके दफ्तर में जाकर उनको बोला कि यहाँ नहीं मिला हो सकता, आप इसको कहीं भी खुले एरिया में शिफ्ट करो इसको। तो जो यह हादसा हुआ इसके जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? मैं तो नगर परिषद की पूरी इनको चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कार्यकारी अधिकारी को और इनकी टीम को मानता हूँ। इन्होंने कोई यहाँ के लोकल बाशिंदों से किसी से कोई राय ली,
और ना ही RW से पूछा है, प्रधान जी खड़े हमसे भी ध्यान ले सकते हो आप। उच्च अधिकारियों से अब आपकी क्या मांग है इसमें? मेरी उच्च अधिकारियों से मांग है कि जिन लोगों ने ये बिना विदाउट परमिशन ये काम करवाया है उनको इसको सजा मिलनी चाहिए, और जो ये जान इतना हमारी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है वो भी इनके गल पड़ना चाहिए और इनकी भरपाई इनकी जेब से होनी चाहिए। और जो ये जो लोगों के शीशे नुकसान हुआ है उसके जिम्मेदार कार्यकारी अधिकारी और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है और इनकी पूरी टीम है। खेलने का सामान भी अभी बताया जा रहा था यहाँ पे। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये तो भगवान चलो शुक्रगुजार है हम लोग की कोई जानी नुकसान नहीं हो। यदि यही धमाका शाम को 4 बजे के आसपास होता तो मैं नहीं कहता 20-50 बच्चों की मौत हो जाती और पता नहीं और कितना नुकसान होता। और बच्चों की जो बेचारों की क्रिकेट का सामान था, इनकी किटें थी और खेलने का जो सामान था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। हजारों रुपए का बच्चों का नुकसान हुआ है, जब किसी ने देना तो क्या है उल्टा ये ऐसे का। देखिए यह अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है यहाँ पे हुआ, बट हमारे लिए सुखद बात यह है कि यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ लेबर काम कर रही थी। ट्रेडिशनली ये दशहरा ग्राउंड है, यहाँ पे मेला सेलिब्रेट किया जाता है, उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और आसपास कॉलोनी है। 2 साल से क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शन थी इस बारी तैयारी जोर शोर से थी। MC इस पे लीड लेती है, उनके नेतृत्व में काम होता है। यस के इसमें परमिशन थी, किसको थी, कौन ठेकेदार थे और होल्डिंग कैसी थी उसके लिए मैंने इंक्वायरी के लिए SHO साहब को आदेश दे दिए और ये भी बोल दिया कि फॉरेंसिक की टीम को बुला के साक्ष्य इकट्ठे करें। सुखद बात ये रही कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, एक घटना घटी है। सीनियर ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे वी विल असेस द सिचुएशन, बट यहाँ पे मेला होगा हर साल की तरह होगा, राइट। और इस घटना का जो भी अगर किसी को हमें लगता है कि कोई लाइसेंस नहीं था, परमिट नहीं था, तो इसका हम कॉग्निजेंस लेके उस पर उचित कार्रवाई भी करेंगे। सर यहाँ के जो स्थानीय लोग जब दुकानें लगाते हैं पहले परमिशन लेते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। खुश ये MCC और SDM कार्यालय से परमिशन लेते हैं। सर ली नहीं गई है सर, खुद बता रहे हैं ठेकेदार कि हमने कोई परमिशन नहीं ली। अगर इसमें डायरेक्शन आएंगे तो जो परमिशन नहीं लेंगे तो उस पर कार्रवाई की। अगर सर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो कौन? मैं वो आपको यही कह रहा हूँ कि हर जगह पूरे हिमाचल में दशहरा लगते हैं। इस बारी तो फॉर्चुनेटली दशहरे में जो कुल्लू में दशहरा है, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना नहीं होती। अब इसमें किसकी गलती थी, कोई ठेकेदार कह रहे हैं कि बाहर का है, कैसे वो मैनेज कर रहे थे, क्या लाइसेंस था, उसके बारे में हम तुरंत इंक्वायरी करके उस पर आदेश दे दिए इनको, और अगर लगा तो हम इसमें केस भी रजिस्टर करें। दिव्य हिमाचल TV के लिए VBN से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितम्बर से नवम्बर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट TV है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन।